दोस्तों अगर आप पेवर ब्लॉक का बिजनेस करना चाहते हो, जिसे सीमेंट की ईंट कह लो या सीमेंट की टाइल कह लो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी वीडियो के अंदर कि इसमें क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत होती है और आखिर में पेवर ब्लॉक बनेगा कैसे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये पेवर ब्लॉक जो बन रहा है कैसे बन रहा है, और आगे मैं आपको सारे जो उसके मोल्ड होते हैं, सांचे होते हैं पेवर ब्लॉक के, सीमेंट की टाइल्स के, सारे बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलेगी, जिससे अगर आप इस बिजनेस को करना चाहोगे तो होगा क्या कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप जो देख रहे हो इसे कहते हैं कलर पेन मिक्सर, और जिस टेबल पर ये मोल्ड को रखे जा रहे हैं इस टेबल का नाम है वाइब्रेशन टेबल। जिस मोल्ड के अंदर ये कलर को भर रहे हैं, जिस पेस्ट को भर रहे हैं, इसका नाम है जिगजैग मोल्ड। ऐसे बहुत सारे मोल्ड हैं, बहुत सारे डिजाइंस हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉन्क्रीट मिक्सर के अंदर बड़ी आसानी के साथ मेटल को बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसा हम रंग का जो अपना पेवर ब्लॉक बनाना चाहते हैं वैसा रंग कलर पेन मिक्सर में मिला लेना है। उसके बाद इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि जो वाइब्रेशन टेबल होती है उस पर जो है सबसे पहले जो कलर का पेस्ट है, जिसे पहली लेयर कहते हैं, इसको हमें वाइब्रेशन टेबल पर चलाना है। दूसरी टेबल पर हमारा क्या काम रहेगा, जब ये कलर इस वाइब्रेशन टेबल पर चल जाएगा उसके बाद जो है जो मटेरियल होगा कॉन्क्रीट का, कॉन्क्रीट के मिक्सर को फिर इसमें भरा जाएगा। उसके बाद इस टेबल पर बड़ी आसानी के साथ इनको वाइब्रेशन कर दिया जाएगा। और आगे बहुत सारी जानकारी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मेरे भाइयों, लेकिन जानकारी जो है संपूर्ण मिलनी चाहिए, तभी आपको भी फायदा होगा और मुझे बताने में भी। अब इसमें आपको जो मशीन्स की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो ज़रूरत होती है उसकी कॉन्क्रीट मिक्सर, उसके बाद आप देख पा रहे हो वाइब्रेशन टेबल कलर पेन मिक्सर, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे जो ज़्यादा जिसका रोल है वो है इसमें हार्डनर केमिकल, क्योंकि आप बिना हार्डनर केमिकल के ना तो सीमेंट की ईंट बना सकते हैं ना कोई पेवर ब्लॉक। फिर हमको ज़रूरत पड़ती है प्लाई की, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह होती नहीं है कि हम सारे जो मोल्ड हैं उनको फैला सकें। प्लाईयों की मदद से एक के ऊपर एक बड़ी आसानी से हम इनको लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं मोल्डों के बारे में, ये जिगजैग का मोल्ड हुआ या फिर ये सीमेंट की ईंट बनाने का मोल्ड हुआ, पूरी जानकारी, पूरे सांचों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को छोड़कर कतई नहीं जाना है। अब आप देख रहे हो ये है कवर ब्लॉक का मोल्ड, जो हम इसको अच्छी तरह मतलब ज़मीन पर फेंक के बता रहे हैं, जिससे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आपको भी लग जाए। जी हाँ, बहुत से हमारे भाई कहते हैं कि सर क्वालिटी कैसी होगी आपके जो प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पर ज़मीन पर इसको अच्छी तरह फेंक कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो डिजाइंस है ये भी एक पेवर ब्लॉक का न्यू रैंडम डिजाइंस है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन डिजाइन है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद अगर आप पीवीसी रबर में आ जाओ, कवर ब्लॉक जो होता है, जो मैंने पहले सिलिकॉन प्लास्टिक का आपको ज़मीन पर फेंक के बताया, ये पीवीसी रबर का है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कर्व स्टोन का मोल्ड हो या फिर पेवर ब्लॉक का मोल्ड हो, मिलानो हो, जिगजैग हो, आई सेफ डंबल हो या फिर डबल डी हो, हेक्सागन हो या फिर 8x8 का स्क्वायर हो या फिर चेकर टाइल्स हो, सारे जो डिजाइंस हैं हमारे कंपनी के पास बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। और पेवर ब्लॉक का बिजनेस जो है बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता है, इसमें 2-3 मशीनों की ज़रूरत होती है, हार्डनर केमिकल और जो ये पेवर ब्लॉक के मोल्ड हैं, सीमेंट की ईंट बनाने के मोल्ड हैं, यही आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेवर ब्लॉकों को डीमोल्डिंग करने की मशीन भी आप लें, तो हमारी कंपनी जो है डीमोल्डिंग मशीन भी जो है सेल करती है। इससे क्या होता है, लेबर का टाइम जो है उसकी बचत हो जाती है, जो काम 1 घंटे में होता है वो 5 मिनट में हो जाता है इस डीमोल्डिंग मशीन से। इसके बाद मैं आपको इन सांचों के, इन मोल्डों के डिजाइन कुछ बताना चाहूँगा। वीडियो में रुके रहें, आपको बहुत काम की जो जानकारी है आज मिलने वाली है। हेक्सागन मोल्ड हो, मिलानो हो, इसको मिलानो कहते हैं। इसके बाद अब जो आ रहा है इसको 6x6 का स्क्वायर डिजाइन कहते हैं। मैं सारे डिजाइंस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप पेवर ब्लॉक का बिजनेस करो तो आपको जानकारी पहले पूरी होनी चाहिए। इसमें लगेगा क्या क्या, आपने देखा होगा घास लगाने के लिए, जिसे ग्रास पेवर ब्लॉक मोल्ड बोलते हैं। जी हाँ, ये पार्कों में काम आता है। ये डबल डी है। जी हाँ,
हर तरह का जो सांचा है हमारे पास जो है अवेलेबल होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ज़मीन की टाइल्स के बारे में, ये है ज़मीन की टाइल्स जिन्हें आप पार्किंग टाइल्स भी कहते हैं। सारे डिज़ाइन जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देख पा रहे हो मैंने सारे डिज़ाइन जो है फ़ोटोज़ में लगा दिए हैं। आप बड़े आसानी के साथ वीडियो को रोक कर भी इन डिज़ाइनों को जूम कर कर देख सकते हैं, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। सारे डिज़ाइन पहले देख लीजिए क्योंकि ऐसे डिज़ाइन जो हैं आपको कहीं मिलेंगे नहीं। हमारी कंपनी जो है 20 साल पुरानी है, पुराने से पुराना जो मॉडल है वो भी हमारे पास मिल जाएगा। जी हाँ, ये सारे चेकर टाइल्स के डिज़ाइन होते हैं। इसमें जो साइज़ आता है 12 इंची 12 में 25 mm आता है और 10 इंची वाई 10 इंची में ये आता है 20 mm, जिसे 20 mm बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन सारे अवेलेबल होते हैं हमारे पास, वो डिब्बी का डिजाइन हो या फिर वो कोई भी चटाई वाला डिजाइन हो, सब जो टाइल्स के मोल्ड होते हैं इनका अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। जी हाँ, मैंने सारी कैटलॉग जो है बिल्कुल आपके सामने लगा दी है। आप मुझे कॉल करते हैं कि सर डिज़ाइन भेजिए, मैं इतने डिजाइन है नहीं भेज पाता, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने भाइयों में दोस्तों में रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी कर देना है। जिस आपके अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा जिससे मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।